सो गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है फिर से मेरे सेम एपिसोड में, जहाँ पे हमारे सेम गेस्ट है गौरव, और हम आगे का कॉन्वर्सेशन यहाँ से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, मोस्ट वेलकम। सो गौरव, मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने इतनी फिल्में की है ना, तो आपके साथ जो इतने सारे आर्टिस्ट रहे, आपकी फेवरेट को एक्ट्रेस कौन सी थी? मैं इसलिए पूछ रही हूँ, जिसके साथ बार बार काम करना चाहिए। वो बहुत सारी नहीं हो सकती, वो एक या दो ही हो सकती है, राइट? तो कौन सी ऐसी आर्टिस्ट है जिसके साथ बार बार काम करना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही है वो, क्या कहते हैं, उनके साथ ऑफकोर्स मैं बार बार करना चाहूँगा। सी इज माइंड ब्लोइंग एक्ट्रेस एंड वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, प्रिया काम। सही है। शरण्या सिद्ध कौर एंड रिधिमा, हाँ, ये दोनों में बहुत अच्छा है। प्रिया के साथ तो मैंने कभी काम किया नहीं, इसलिए प्रिया को नहीं जानती मैं, और मुझे मालूम भी नहीं है कि वो बाय नेचर कैसी है, सो आई हैव नो कमेंट। बट शरण्या और रिधिमा दोनों बहुत अच्छी है, और शरण्या तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। अच्छा गौरव, ये बताओ जी, जैसे कि आपने इतनी सारी बोल्ड सीरीज की है, तो जब आपने पहली बार एक बोल्ड सीरीज की थी तो आपको कैसा फील हुआ था, और अभी जब आप बोल्ड सीन्स करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? ट्रूली बताऊं तो जब हमने फर्स्ट टाइम किया था, आपके साथ ही शुरुआत किया था, जिसका नाम था थर की छोटू, हॉट शॉट के लिए हमने फिल्म किया था, तो उसके जो पोस्टर्स थे ना, उस टाइम भी मैं नया था और ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं था चीज़ों के बारे में। तो फिर जो आपने पोस्टर मुझे भेजे थे ना, एक तो बहुत ही सुंदर पोस्टर बनाया था आपने कि जिसमें हीरोइन बीच में है और साइड में दो लड़के हैं, लवली, बहुत लवली पोस्टर, हम लोग भी आउटफिट अच्छा डाले हुए एकदम वो था। और बाकी के जो पोस्टर थे ना, वो बहुत ही एक्सट्रीम थे, एक्सट्रीम मतलब बहुत एक्सट्रीम बोल्ड थे, तो उसको एक नॉर्मल लड़के को अपने अकाउंट पे पोस्ट करना, इट्स वेरी बिग थिंग, है ना, क्योंकि उससे लोग आपको जज करते हैं। और फिर एक होता नहीं है कि, क्योंकि आप दैट टाइम शुरुआत में आप मैच्योर नहीं होते हो, आपको नॉलेज नहीं होती चीज़ों के बारे में, तो वो चीज़ें, तो जब आपके मुझे मैसेजेस आते थे, क्योंकि उस टाइम हमारी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं थी, अब भी मैं नया ही था आपके लिए और इंडस्ट्री के लिए भी नया ही था मैं, तो आपके मैसेजेस आ रहे थे, क्योंकि ऐसा कुछ था चैनल वैनल का कुछ हो रहा था, प्रमोशन के लिए हमारे पेमेंट कट हो जाते थे हम लोग को, एक तो वैसे भी पर फिल्म के 3 लाख रुपए मिलते थे टोटल, और कंडीशन ये होती थी कि अगर आर्टिस्ट अपने वॉल पे प्रमोट नहीं करेंगे, मेन लीड अगर लाइव नहीं आएगी, तो हम लोगों के 60,000 और कट हो जाएंगे, तो वैसे भी प्रॉफिट नहीं थे, और 60,000 अगर और कट गए तो बचा क्या, तो बहुत लोड होता था यार गौरव। तो वो था, तो जब मैंने उसको पोस्ट किया था ना, मैंने सबसे पहले तो वो जो लैविश फोटो आपने मुझे बना के भेजा था पोस्टर, वो किया, लेकिन फिर मेरे ख्याल से आपने चेक किया होगा कि हमने वो नहीं डाला है, पोस्ट करना पड़ता है, तो फिर आपके फिर मैसेजेस आए कि उसको प्लीज करो, चैनल बोल रहे हैं ये, तो हमने किया, लोगों ने तो अच्छे कमेंट्स भी किए और बैड कमेंट भी किए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो जब सीरीज आई ना, तो मैंने प्रमोट किया फुल, हाँ, उसका जो ट्रेलर वगैरह था सब कुछ था, उसमें ट्रेलर अच्छा था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें एक्सट्रीम चीज़ें थी, लेकिन जब एपिसोड आया ना, तो मैंने अपने कजन्स को, उन लोग ने भी देखे, बट लिटरली बोलूँ मेरे भाई को नहीं अच्छा लगा, उसने मुझे बोला कि मतलब जो वो एक्सपोज लेवल था ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही था, तो वो चीज़ें थी। और फिर क्या कहते हैं कि उसके बाद मैं बहुत दिन तक मैंने काम नहीं किया, एक दो बार आया, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आपका एक फिर से कॉल आया, हाँ, कि हम एक सीरीज कर रहे हैं सेम एज इट इज, करोगे क्या? तो हमने कहा कि यार काम तो ऐसे भी कुछ नहीं है, तो ना से बेटर है कि कुछ करो, हाँ, क्योंकि शुरुआत तो आपको करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं से, भले वो चाहे बोल्ड हो या एपिसोडिक हो या कुछ भी हो, है ना, एक होता नहीं कि नथिंग, मतलब नथिंग इज बेटर देन नथिंग, करेक्ट, हाँ, तो कुछ तो करना ही था। तो फिर मैंने वो किया, फिर उसके बाद में भी एक बार भाई का बात हो रहा था, और उसने बोला कि यही सब करना है क्या, यही सब करना है तो घर आ जाओ, फिर ट्रूली मैं बोलूँ उसके बाद से हमने उस टॉपिक पे कभी बात नहीं किया भाई से, और क्या बोलते हैं कि इवन मैं बात करूँ अपने बुआ और मदर की, एंड उनको अभी भी, फिर मेरी जो मम्मी की फ्रेंड्स हैं गांव में, तो वो लोग ना, अभी मैं कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, कि एक तो ये तो सीरीज वाले होते हैं ना, मतलब मीम्स वाले, हाँ, वो लोग ना उसको ना फेसबुक एंड उस पर डाल देते हैं, हाँ, तो वो लोग देख लेती हैं। तो फिर जब वो गई थी ना, जैसे गाँव में क्या होता है कि ना, जो फीमेल्स मिलकर ना पूजा करती है, okay, हाँ, तो वहां गई थी, तो उनकी फ्रेंड ने बोला कि क्या कहते हैं कि मैंने ना उनको देखा, तो मेरी मम्मी ने बोला कैसे, तुम्हें ना, मेरी मम्मी सोशल मीडिया नहीं यूज करती हैं, हाँ, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ना तुम्हें फेसबुक पे देखा, मैं शौक था, मैं भगवान से मना रहा था, थैंक प्लीज कुछ अच्छी वीडियो दिखाना, हाँ, ऐसा मत दिखाना, तो उन्होंने बोला कि लो बात कर लो,
तो मैं उन्हें उनसे बात किया है ना कि कैसी है, ये बहुत हंस हंस के बात कर रही थी वो, और मैं यही सोच रहा था कि इन्होंने पता नहीं कौन सी वीडियो देखी है। उन्होंने मुझे बताया उसकी वन लाइन, मुझे याद नहीं आया क्योंकि मैंने काफी सीरीज कर रखा है तो याद नहीं था। हाँ नहीं, जब वो मैंने फोन कट कर दिया, बाद में मैं वर्कआउट करने जिम गया तो मुझे याद आया कि अच्छा वो एक कुकू की सीरीज थी। हाँ। मैंने आजाद भारती के साथ कर रखा था। बट क्या होता है, हमारे जो जक्षर होते हैं ना वो वैसे ही रहते हैं, और जो लोग मतलब एजुकेशन होने के बावजूद भी लोग उसको नहीं समझते हैं समटाइम्स, तो वो थोड़ा था। तो बट ठीक है, लाइफ अच्छी चल रही है। अच्छा मुझे ये नहीं पता था। अच्छा मुझे बात बताओ गौरव, जैसे तुमने मेरे से इतनी सीरीज की है, तो क्या कभी भी मैंने किसी को फोर्स करके मेकअप सीन कराया या बोल कराया कुछ भी? नेवर नेवर नेवर। इवन जितने भी मैंने सीरीज किया है आपके साथ में, जितने भी कोई एक्टर रहे हैं हमारे या कोई एक्टर रहे हैं, सबने एंजॉय किया है, ट्रूली हंसते हंसते किया है। चाहे वो स्टार्टिंग डेज की बात करें या अभी की बात करें, मैं तो शुरू से लेके अभी तक आपके साथ कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। टू बी वेरी ब्लेस्ड कि अपनी बॉन्डिंग अच्छी है कि हमेशा मैं शूट करता रहता हूँ आपके साथ में, तो वो चीजें हैं कभी नहीं। और इवन सारी लड़कियां या लड़के सारे एकदम सेट पे आने के बाद तो ऐसा लगता है कि हम कितने पुराने फ्रेंड हैं। हाँ। इतने घुल मिल जाते हैं सब लोग, तो ऐसा तो फिलहाल कभी नहीं हुआ है। और जो लोग बोलते हैं कि आपको तो लड़कियां बोलती हैं ये चीज, काम करके चली जाती है पैसा लेके वीडियो वाइट देके, एंड फिर बाद में बोलती है आपको कि उन्होंने मुझे मोलेस्ट करके ये कराया जबरदस्ती। इट्स वेरी रॉन्ग थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि सेट पे इतने लोग होते हैं, इन सब चीजों का कभी कोई वही ही नहीं है। मतलब वजूद की बात करें या कभी कोई किसी को प्रेशराइज कर ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेशराइज आप लिमिटेड चीजों में कर सकते हैं, और फ्रीडम जहाँ पे फ्रीडम ना हो, सबका अपना ओन चॉइस होता है चीजों को लेके। आप सेट पे आने से पहले आपको ब्रीफ मिल चुका होता है चीजों के बारे में, आपको मतलब चैनल एवरीथिंग स्टोरी सब कुछ पता होता है, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि आपको कोई फोर्स करेगा या हैरेस करेगा या मोलेस्ट करेगा, वो तो सवाल ही नहीं आता है। और दूसरी बात यह है कि हम लोकल बॉम्बे में शूट कर रहे हैं, लोग अपने घर से आते हैं, ये तो नहीं कि हम किसी और शहर में ले जाके आपको दरवाजे के अंदर बंद करके शूट करा रहे हैं। आप सुबह आते हो, दिन भर शूट करते हो, शाम को आप अपने घर पे जाते हो, अगर कल फिर आपका शूट है तो कल फिर आप आते हैं, फिर आप शूट करते हो, पैसे लेते हैं, तो जब अपने घर जाकर वापस आ रहे हो तो आपके साथ कोई फोर्स तो नहीं कर सकता। true, true. है ना। और वाइल एक्टिंग आपको रोने के, हंसने के, खेलने के, कॉमेडी के सारे एक्सप्रेशन देने होते हैं। true. फोर्स करके आप एक्टिंग तो नहीं करा सकते। never, never. Possible ही नहीं, वो तो दिल से ही होता है। और सेट पे हमने बड़े बड़े कैमरे लगा रखे होते हैं, यूनिट होती है, लाइट मैन होता है, खाना से लेकर के मेकअप से लेकर सारी यूनिट होती है, वैसे भी आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। true, true, true. अच्छा मुझे बताओ, जो मेकअप सीन्स होते हैं जितने भी, वो कितने ऑथेंटिक होते हैं, वो कितने रियल होते हैं, या हम किस तरीके से शूट करते हैं, पब्लिक को बताइए। वो तो क्या कहते हैं कि अगर हम बात करें, हाँ ये तो पब्लिक का है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है सबका, मोस्टली यही क्वेश्चन होते हैं लोगों के जो हमें डीएम्स आते हैं या जैसे कि हम लोगों को रिप्लाई देते हैं, तो वो मोस्टली उनके सवाल यही रहते हैं कि जो आप मेकअप सीन्स करते हैं वो कहाँ तक रियल होते हैं, कि या जैसे आप करते हो वो वैसा ही रहता है टिकटॉक का। तो अभी उसकी हम बात करें तो वैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक आप वही कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से 4-5 मिनट के सीन रहते हैं। हाँ। जो पूरी स्टोरी में मेकअप, और मैं वैसे भी ज्यादा देर नहीं करवाती, शायद बाकी डायरेक्टर आधे घंटे रगड़ते होंगे, बहुत ज्यादा आधे घंटे नहीं, कुछ कुछ तो ऐसे हैं डायरेक्टर, मैं अभी नाम क्या ही लूं उनका, तीन तीन चार चार घंटे वो वही कराते रहते हैं। ओह शिट, ट्रूली। तो मतलब पता नहीं उनको अच्छा लगता है कि क्या लगता है, इवन उनको एग्जांपल देके आप बोलेंगे भी ना, कुछ डायरेक्टर्स के नाम भी बोलेंगे कि अच्छा वो ना बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत जैसे कि बहुत जल्दी जल्दी चीजों को करा देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप सबके सामने कपड़े रिमूव करते हो ना तो मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्या होता है कि सबकी नजरें आप पे टिकी रहती हैं, हीरो पे, हीरोइन पे, करेक्ट। तो पहली बात तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा जो आप मतलब मेकअप सीन करते हैं तो वो सच में होता है क्या, या सच में मूड बन जाता है क्या, या जो भी मतलब उनके सवाल होते हैं इस टाइप के। हाँ। तो ऐसा तो फिलहाल कभी भी नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही आपके कपड़े रिमूव होना शुरू होते हैं ना, वहीं पे कितना भी कोई अच्छा परफॉर्मर हो या कोई कितना भी बेहतरीन एक्टर हो, वहीं पे उसका माइंड से ना वो चीजें कनेक्ट हो जाती हैं कि आपके कपड़े रिमूव हो रहे हैं, माइंड में कौन मतलब एक होता नहीं है कि शर्म तो नेचुरल सी बात है कि आती ही है, अब किसी के भी सामने रिमूव करेंगे, आपको तो लड़की है, पूरी यूनिट है पीछे, है ना, आपके डायरेक्टर हैं, डीओपी हैं, कॉस्ट्यूम असिस्टेंट हैं, और लाइट वाले हैं जो सपोर्टिंग में हैं। हाँ। तो वो चीज़ें हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है कि वो चीज़ रियल है, और पॉसिबल ही कैसे होगा कि क्योंकि वो तीन तीन चार चार घंटे सीन चलते हैं, और हाउ कैन बी पॉसिबल कि मतलब वो एक्चुअल होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इट्स ऑल आर एक्टिंग। तो
अच्छा मैं जनरली मेकअप सीन जब हम शूट कर रहे होते हैं, जो फेक मेकअप सीन होते हैं, मेरे हिसाब से 15 मिनट से ज्यादा कभी नहीं कराया होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ। मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता है। इवन इवन हाँ हाँ ट्रू 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 क्या बोलते हैं, इवन कुछ डायरेक्टर हैं जो कि जैसे SSK सर हैं या परवेज सर हैं, इनायत सर हैं, मेरा नाम बिलो, आप नहीं, आप भी हैं, आप तो फर्स्ट पे हैं, आप पहले आप हैं। इवन मेरा एक दोस्त है सागर, ही इज आल्सो वेरी गुड डायरेक्टर। अच्छा, सागर को मैंने लॉन्च किया था, पता है ना। हाँ, अच्छा अच्छा हाँ, मुझे नहीं पता कि आपने लॉन्च किया, बट सागर एक बहुत अच्छा डायरेक्टर है और एक्टर भी है इवन, और एक बहुत अच्छा इंसान भी है, मेरा अच्छा दोस्त भी है सागर, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो क्या कहते हैं कि वो भी है, तो ये लोग है ना कि बहुत अच्छा डायरेक्शन करते हैं, कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते हैं, और कभी भी क्या कहते हैं आपके कम्फर्ट जोन के हिसाब से काम कराते हैं। तो दैट्स वेरी गुड थिंग कि एक्टर के कम्फर्ट जोन के हिसाब से आप काम कराते हो तो ना, तो किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं होता है, और फिर वो चीजें ना बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सबसे फास्ट कौन शूट करता है, कम टाइम में तुरंत तुरंत शूट करा के निकाल देता है, ऐसा कौन शूट करता है? द वन एंड ओनली कैना वसिस्ट। यस, मेकआउट सीनियर में 10 से 12 मिनट से मैं करा ही नहीं सकती। करेक्ट करेक्ट, और मैं ऐसे यार कर लो जो अच्छा लगे कर लो अपने हिसाब से, जो सही लगे कर लो, हो जाए तो मेरे को बता। नहीं ये तो मैं तो कई बार भूल चुका ही चीज कि मतलब आप कभी भी इनके साथ आप काम करते हो ना, आप नए हो पुराने हो, डजंट मैटर, जब आप इनके सेट पे मिलोगे ना, जैसे कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि जो भी उनको लोग बताए रहते हैं कि अच्छा मैंने सुना है वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, इवन एक्ट्रेस के बारे में भी लोग बोलते हैं, इवन मेरी मेरा जो है मोस्टली एक्ट्रेस या डायरेक्टर सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं, मोस्टली जितने भी लोग हैं अगर आप बात करेंगे, चाहे लड़कियां हो या कोई एक्टर हो या डायरेक्टर हो, कभी भी मेरा किसी से तू तू मैं या मैं कभी भी सेट छोड़ के या कभी भी मैंने इनको गुस्से में या डिसरिस्पेक्ट किया होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज तक नहीं, कि दैट्स द रीजन कि आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क एंड सबसे कनेक्टेड हूं मैं, और सबसे ज्यादा मैं ही उन लोगों के साथ काम करता हूं मोस्टली, जितने भी चैनल्स हैं या जो भी हैं, तो वो चीजें हैं। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, जैसे कि अभी जैसे जब तुम आए होगे पहली बार इंडस्ट्री में, तो बॉम्बे में स्ट्रगल लेवल बहुत ज्यादा है ना, सर्वाइवल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। सो अभी लॉकडाउन भी हो गया था, उस टाइम पे पैसों का बहुत किल्लत थी लोगों में, तो लॉकडाउन के टाइम पे बॉम्बे में थे, तो आपने लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज्यादा काम किया या अभी सफर कर रहे थे? इवन मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा और टाइम लेता हूं आपका, कि जो मैं बॉम्बे में रहता हूं, मैं दीदी जीजू के साथ रहता हूँ अपने, है ना, स्टार्टिंग डेज से, तो कभी फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं आई। और सेकंड थिंग कि जैसे कि लॉकडाउन की बात करें, तो टू बी आई एम वेरी ब्लेस्ड कि सबसे ज्यादा काम मैंने लॉकडाउन में किया है, बहुत ज्यादा, इवन क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सिलेक्टेड लोग काम कर रहे थे, और उससे भी ज्यादा कि बहुत एक होता नहीं है कि मतलब लोग कनेक्टिविटी है ना, मोस्टली लोग अपने घर जा चुके थे और जो यहाँ पे थे वो काम नहीं कर रहे थे, बहुत लिमिटेड लोग। सो मेरे जैसे दीदी भी थी और दैट टाइम शी वॉज प्रेगनेंट, तो उनको भी क्या होता था, मेरा थोड़ा बहुत बोलती थी कि बाहर नहीं निकलना है, और फिलहाल सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम लोग शूट करते थे ना, सारे प्रिकॉशंस के साथ में करते थे, है ना, तो सबसे बड़ी चीज था, तो समझती थी, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि हमने लॉकडाउन बहुत इंजॉय किया है काम करके। दोस्तों हम लोग ना कवर वाले प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं, आप लोग प्लीज गलत वाले प्रिकॉशन मत सोचे, हम ऐसा कुछ नहीं करते जिसमें वो वाले प्रिकॉशन यूज करनी पड़े। जी जी जी, इम्पोर्टेंट था। अच्छा गौरव, जब तुम्हें पता चला कि मैं अरेस्ट हो गई हूँ, लोगों ने बताया होगा, लोगों से पता चला होगा, तो सबसे पहले पता कैसे चला और तुम्हारा क्या रिएक्शन था और लोगों का क्या रिएक्शन था? ओके मैं बात करूँ कि मेरे ख्याल से जब आप अरेस्ट हुई उसके सेकंड डे मुझे पता चला, ट्रूली मैं बोलूं, मुझे कोई भी होगा जैसे आपका कोई अच्छा दोस्त है ना, और खासकर तो आपका जो आप उनके साथ काम करते हो, आपके उनके मेरे ख्याल से 2 दिन पहले हमने शूट किया हुआ था, मर्ड में है ना, लास्ट शूट मैंने वो जो आपके रेस्टोरेंट से पहले हमने ही किया था, तो रिद्धिमा वाला, हाँ राइट राइट, जिसमें रिद्धिमा थी और हम थे और एक दो एक्टर और थे, तो मैं सीरियसली बहुत शॉक्ड था, क्योंकि ऐसा तो कुछ नॉर्मल सब लोग वही कर रहे थे जो हम लोग जो हमने किया था, ऐसा कुछ नहीं कि हमने कुछ अलग किया था या आपने कुछ अलग डायरेक्ट किया था या कुछ ऐसा मेकिंग किया था, तो वो चीजें इवन मेरे क्या सबके लिए बहुत ही वो शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि नॉर्मल जैसे सब लोग काम कर रहे थे वैसे हम लोग भी काम कर रहे थे, तो फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि ऐसे लोग मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जो फीमेल को एक्ट्रेस थी वो कुछ भी कभी भी बोल दिया करती थी, अच्छा वो तो ऐसी है, तो मुझे लगा ना कि कोई ऐसे ही न्यूज फैला रहा होगा जस्ट फॉर फन, तो जब मैंने आपको फोन किया ना तो आपका फोन लग नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है क्या, तो फिर उसके नेक्स्ट डे फिर क्या कहते हैं कि वो न्यूज आ रहे थे जो
जो मेन लोग मतलब अरेस्ट हुए थे या जो जो सेट पर जो अरेस्ट हुए थे जो करेक्ट 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 फिर सेकंड डे से क्लियर हुआ, लेकिन फिर हमने बहुत बार कांटेक्ट किया आपसे कॉल करने का वो करने का, कोई वो नहीं हुआ। बट जितने भी हमारे को एक्टर थे सभी लोग सारे लोग आपके सपोर्ट में थे कि कभी भी एक होता नहीं कि जैसे कि सपोर्ट में कि कभी वो हुआ या प्रूफ के तौर पे कभी किसी ने वीडियो बाइट देना हुआ या कभी खड़ा हुआ हुआ, तो सब लोग आपके आपके फेवर में थे जितने भी एक्टर या वो थे, या हम किसी भी फीमेल की बात करें उस टाइम भी जो आपके बारे में गलत बोलती थी, गलत गलत इन द सेंस जैसे कि नहीं वो फन जोन में अच्छा हाँ वो तो ऐसे ही है ये कैन से नहीं बोलते हैं आप सबसे अच्छा क्या लगा गौरव, राशि ने ना मेरा खुल के सपोर्ट किया true, true, true. मतलब मैं बताऊं जब हमने शूट किया था राशि और मैंने मिस्टीरियस विचेस का, मैं ही तो था उनका क्रेक्टर, हां क्रेक्टर, यस यू वर देयर, तुम्हारी फर्स्ट सीरीज थी राशि के साथ सब, yes, हाँ, हाँ. मेरी भी फर्स्ट सीरीज थी राशि के साथ, मतलब मैंने बहुत की थी लेकिन राशि के साथ मेरी फर्स्ट थी, मेरा भी फर्स्ट मनीषा में हमने किया था, तो मेरे बहुत अच्छे उसके साथ बहुत अच्छे टर्म्स नहीं थे सेट पर, क्योंकि क्या हुआ था हम लोग के सेट में कैमरा असिस्टेंट ने उनके साथ कुछ बदतमीजी कर दी थी राशि के साथ, पर मुझे मालूम नहीं था कुछ, तो मैंने उंगली नहीं की, एज एवरी आर्टिस्ट राशि वाज एक्सपेक्टेड कि मैं कुछ बोलूं, पर जब मुझे मालूम ही नहीं है कुछ तो मैं कैसे कर दूं, तो राशि ने मेरा खुल के सपोर्ट किया, ट्विटर में डाला और जो भी हमारे कॉमन फ्रेंड थे सबको राशि ने बोला कि यार गहना ने मेरे साथ कभी कोई फोर्स नहीं किया, इवन जब हम मेकआउट सीन कर रहे थे तो गहना हमेशा कपड़े लेके खड़ी रहती है कि यार ये दिख ना जाए वो ना दिख जाए, और मोस्ट ऑफ द टाइम गहना कहती है आप जो कर सकते वो कर लो, नहीं कर सकते छोड़ दो, कोई परेशान मत करो, करेक्ट करेक्ट। नहीं इवन हम राशि की बात करें, राशि बहुत अच्छी एक्टर है और इवन खूबसूरत भी बहुत है, जिस हिसाब से वो है उस हिसाब से बहुत अच्छा काम करती है ना, अगर मुझे कभी भी उनसे आप पूछ सकती है चीज, कभी भी अगर कोई बोलता है ना कि कोई आपके कॉन्टेक्ट में भाभी लुक में कोई खूबसूरत है लड़की है क्या, तो मैं हमेशा राशि जी को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक अदाकारा भी है, अच्छी मैच्योर है और उनको चीजों की परख है, इवन दुनिया की बहुत नॉलेज है, जैसे कि मैं उनसे काफी छोटा हूँ और तो उसके हिसाब से मुझे अच्छा लगता है, मैं भी काफी छोटी हूँ, हाँ खैर आप तो मुझसे भी छोटी है तो वो चीज तो वो चीजें हैं, तो राशि जी वाज नाइस, बहुत है बहुत, शी इज वेरी सपोर्टिंग, तो जैसे ये सब हुआ फिर तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं किया मेरी कोई हेल्प कर दे, मुझे उठा के तो ले गए घर से, मेरे पर कोई एडवोकेट है कि नहीं, तुम लोग ऐसा लगा नहीं थोड़ा सा आत्मा ही काफी तुम्हारी, नहीं नहीं सबने देखो, लेकिन सबको पता था ना कि गैनोवसिस्ट है उनके पास सब कुछ है और अच्छा है, इवन देखो एक चीज होना और अच्छा होना बहुत फर्क होता है चीजों में, तो सबको पता है कि गहना वर्सेस तो गहना वर्सेस है, उनको ये छोटी मोटी चीजों की जरूरत ही नहीं है, पता है इसी धोखे में ना मेरे लग गए थे, सबको लग रहा था अरे गहना वर्सेस तो उसके पास एडवोकेट होगा, अरे गहना वर्सेस के पास तो ये भी होगा, पता है मुझे घर से उठा के लेके गए, मुझे घर वालों को फोन नहीं करने दिया, मुझे एडवोकेट को फोन नहीं कर दिया, मैं वहां खड़ी हूँ जिन लोगों को सेट से उठाया था उनका तो पति देव भी वहां खड़ा है, ठीक है बाकी डायरेक्टर को उठाया, सबके पास सपोर्ट था, मैं ऐसे खड़ी हूँ मुझे मालूम ही नहीं मेरा सब हो गया मुझ पे क्या सेक्शन लग रहे हैं, फिर अचानक से मुझे पता चलता है कि मेरे पर रेप का सेक्शन लगा है, मैं लड़की को मिलता था मुझे ये नहीं पता किसका रेप लग गया, तो मैं वो पुलिस स्टेशन मिलते हैं, मैं पूछती हूँ बेटा आप ठीक है, बोलती हाँ मैम मैं ठीक हूँ, मैंने कहा आपको क्या हुआ है, बोलती मैम मेरा रेप हो गया है, मैंने पूछा तो बहुत बुरा लगा किसने रेप किया, तो बोलती मैम आओ क्या सर अच्छा वो वही लड़की है क्या जिसके बारे में कुछ टाइम पहले आपने स्टेटस डाला था, फिर मैं बोलती हूँ कि सर आप इसकी चैट पढ़ दो, पूरे फोन पे चैट है, हर मैसेज में लिखा है कि मैम इट वाज लवली वर्किंग विद यू, आपके साथ काम करके बहुत मजा आया, और मैंने उसको 18,000 रुपए पढ़े दिए थे, तो मुझे ये समझ ही नहीं आया कि कौन सा रेप है जिसकी लड़कियां पैसे भी लेती हैं और हर रोज मैसेज करती है कि मैम इट वाज लवली वर्किंग विद यू, एंड मेरा शूट करने के बाद उस लड़की ने उन लोगों का शूट कर लिया था जो सेट पे पकड़े गए थे, तो वहां पे उसे टिपिकली पॉन कर लिया था ऐसे दो चार लोगों के साथ खतरनाक वाला, तो मैंने पूछा कि बाबू मतलब मुझे पहले पता चल चुका था अरेस्ट होने के पहले कि उसने ऐसा कुछ किया, तो मैंने उसे बकायदा मैसेज किया कि बेटू ऐसी फिल्में नहीं करना, तुम सुंदर हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, वेंचर ने मेरी लगा दी क्योंकि आपने उसको ज्ञान दिया, तो उसने पूछा ये ज्ञान ज्ञान क्यों ना आपके ऊपर ही अप्लाई करूं, बट कोई नहीं खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब मैं निकल गई यार, गलती नहीं की थी तो निकल गई मैं। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, जैसे कि तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं जो बहुत सारे लोग तुम्हें फॉलो भी करते होंगे, जो बहुत सारे तुम्हारे जैसा बनना भी चाहते होंगे, तो उन्हें तुम क्या बोलना चाहोगे?
जो मेरे जैसा बनना चाहते हैं, ऑफकोर्स जैसे कि मुझे डीएम्स आते हैं कि प्लीज मुझे बताइए जैसे आप काम करते हैं, या जो एक अपनी जो इंडस्ट्री है बोल्ड की इंडस्ट्री या ओटीटी की इंडस्ट्री जो मतलब हम काम करते हैं ये बिल्कुल अलग है टेलीविजन से या फिल्मों से, है ना, बात करें, क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड लोग हैं और बहुत ही लिमिटेड डायरेक्टर हैं और बहुत ही लिमिटेड लोग है कहने का मतलब सारी चीजें हैं, तो वो चीजें हैं। तो मुझे समटाइम्स अच्छा लगता है जब लोगों के ये मैसेज आते हैं काम के लिए, मैं उनको सजेस्ट भी करता हूँ जितना मुझसे होता है, मैं गाइड भी करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है, मैं उन्हें करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें ये एडवाइस करता हूँ कि आप बेटर करो, मेरे जैसा ही क्यों करना है, क्योंकि बहुत सारे जो मुझसे छोटे छोटे बच्चे हैं या जो मुझसे जूनियर है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टेलीविजन में या फिल्मों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं हमेशा उनको वही एडवाइस करता हूँ कि आप अच्छा करो ना मेरे जैसा, क्योंकि मेरी तो मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो मेरे मतलब ऑडियंस है बहुत सेलेक्टेड है, है ना। एंड सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि वी आर फ्रॉम नॉर्थ, तो वहां पे इसको ना इतना प्राउडली लोग नहीं लेते हैं अभी भी, जैसे बॉम्बे की बात करें या साउथ की बात, फर्क ही नहीं पड़ता, हाँ सब इतना एक एंजॉयमेंट या जैसे कि लोग नॉर्मल लेते हैं, इवन यही काम करेक्ट अगर खासकर, तो अगर यही चीजें आप हॉलीवुड की देखें या वहां के कंटेंट देखें तो उसको सेम वही लोग हाँ बहुत ही अप्रिसिएट करेंगे, क्या शॉट है, क्या सीन दिया है, लड़की ने बहुत अच्छा काम किया है या लड़के ने माल की ली है, बहुत अच्छा सीन दिया है, नहीं करेक्ट जो है वो है, हाँ, वो फैक्ट है, हाँ। तो बट अपने यहाँ के लोग उतना प्राउडली नहीं देखते हैं, तो दैट्स अ रीजन कि मैं जो भी मतलब मुझे डीएम्स आती मैं हमेशा सबको वही बोलता हूँ कि आप अच्छा काम करो, कुछ अच्छा जो कि मतलब आप खुद को रिप्रेजेंट करो तो आपको प्राउड फील हो, मुझे होता है लेकिन उतना नहीं होता है, आई विश कि मैं बहुत जल्द कुछ अच्छा काम करूं और आप लोगों को एंटरटेन करूं जैसे मैं करता आया हूं, लेकिन कुछ और बेटर काम से। तो गौरव आपकी जो आने वाली सीरीज उनके नाम बताइए और आपका इंस्टाग्राम हैंडल बताइए लोगों को ताकि वो आपको फॉलो कर सकें। तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑफिशियल गौरव सिंह _0522। मैं हमेशा अपने अकाउंट पे सारी चीजें शेयर करता हूँ, लाइक मेरी अपकमिंग सीरीज हैं या जो मैं काम करता रहता हूँ शूट करता रहता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमारी चीजों से अपडेट हो सकते हैं। सो दोस्तों ये थे गौरव सिंह और इनके साथ बात करके मुझे बहुत मजा आया, अगर आपके पास इनके लिए कोई भी सवाल है या आप उन्हें कुछ कहना चाहते हैं प्लीज आप हमें लिख भेजिए, मैं फिर से गौरव को लेकर आऊंगी और फिर से मैं आपके साथ बात करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों एंड थैंक यू गौरव।